हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रहर। आप देख रहे हैं हिंदी एक वीडियो, और इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है एसर के लैपटॉप के बारे में, जिसका जो प्राइस है दोस्तों 20K के आसपास रहता है। सो ये जो लैपटॉप है दोस्तों, लगभग मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एज ए मेरा प्राइमरी लैपटॉप, और आफ्टर 2 साल के बाद मेरा फुल रिव्यू मैं शेयर कर रहा हूँ एसर के इस लैपटॉप के बारे में। और अभी भी दोस्तों 20K के बजट के आसपास दोस्तों आपको 2 ही लैपटॉप मिलेगा। एसर का लैपटॉप बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और एक है HP का लैपटॉप जो कि आपको 250 GB SSD के साथ मिलेगा। और एसर के इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है दोस्तों इंटरनल का प्लैटिनम सिल्वर का प्रोसेसर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको DDR4 का 4GB का रैम, वाईफाई मिल जाती है, गीगाबाइट आपको मिलती है, और यहाँ पर इंटेल का USD ग्राफिक यूज़ किया गया है, एंड 1 TB का HDD भी यूज़ किया गया है। ये जो लैपटॉप है दोस्तों, मुझे पर्टिकुलरली पड़ा है दोस्तों 18K के आसपास। और अभी दोस्तों इस लैपटॉप का प्राइस और वेरिएंट चेंज होते रहता है। कुछ कुछ लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज 10 होम मिलता है, कुछ कुछ लैपटॉप के अंदर दोस्तों आपको मिलेगा, कुछ कुछ लैपटॉप के अंदर विंडोज 10 होम, डॉस, लिनक्स भी मिलता है, 500 GB भी अवेलेबल है, 1 TB भी अवेलेबल है। सो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है एसर की इस लैपटॉप की। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ, बैटरी लाइफ किस तरह से है, वैल्यू ऑफ मनी क्या है, और गेमिंग के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो इस लैपटॉप को मैं दोस्तों बहुत सारे रिव्यू बना चुका हूँ, गेमिंग रिव्यू भी बना चुका हूँ, जहाँ पर मैं दोस्तों जो पबजी लाइट है उसे खेलकर बता चुका हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों छोटा सा गेमिंग सेक्शन भी करने वाले हैं, जहाँ पर हम 300% आपको खेल के मैं दिखाऊंगा किस तरह से प्ले होता है। इस लैपटॉप के अंदर इंटेल का USD ग्राफिक यूज किया गया है, सो 300% को खेल के दिखा। यहाँ पर हमने 300% को एनेबल स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर हम सिंपली स्टार्ट न्यू गेम में टैप करते, उसके बाद इजी कर लेते। सो 300% यहाँ पर आप खेल पाओगे, बट दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में 2 बड़े ब्लैक बेजल्स आपको दिखाई देगा। पर अगर आप पबजी लाइट खेलोगे तो दोस्तों तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और 300% इसके अंदर प्लेबल है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का फुल्का गेम है 300%, इसलिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से प्ले होता है। सो यहाँ पर आप प्ले कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर 2 बड़े ब्लैक बेजल दिखाई देगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास काम करेगा 300% जैसी गेम्स। बाकी अगर आप पबजी लाइट का गेम प्ले देखना चाहते हो तो इसलिए मैं अलग से वीडियो किया हूँ, इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, बैटरी के अंदर आपको मैंने यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस मोड करके रखा हूँ। तो ये जो लैपटॉप है दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर इंटेल का USD ग्राफिक मिलता है और प्लैटिनम सिल्वर का CPU लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो लैपटॉप है दोस्तों, वीडियो एडिटिंग के लिए कतई नहीं है, और गेम प्ले और गेमिंग लैपटॉप तो ये है ही नहीं। बट इसके अंदर आप खेल पाओगे दोस्तों, हल्का फुल्का गेमिंग कर पाओगे, जैसे कि 300% पबजी लाइट भी चल जाएगा, एकदम लो सीरीज के अंदर आप खेल पाओगे। आपको दिक्कत आएगी, फ्रेम ड्रॉप होगी, और फ्रेम रेट जो होगा वो बहुत ही बुरा होगा दोस्तों, 20 के आसपास रहेगा दोस्तों FPS। सो ये सब तो रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों नॉर्मल लैपटॉप है, एक एंट्री लेवल लैपटॉप है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर वीडियो एडिटिंग की, तो मैंने इसके अंदर फिल्मोरा को यूज़ किया है। फिल्मोरा का ओल्ड वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो नया वर्जन है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए ओल्ड वर्जन के अंदर हम इस लैपटॉप के अंदर फिल्मोरा के साथ एडिटिंग कर पाते हैं, बट बहुत ही पेनफुल होता है। अगर आप फुल HD 60 FPS के अंदर वीडियो को एडिट टाइमलाइन के अंदर एडिट करना चाहते हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके साथ साथ दोस्तों जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, तो 4K वीडियो एडिटिंग तो भाई साहब भूल ही जाओ, फुल HD भी बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला लैग के साथ होता है, तो वीडियो एडिटिंग आफ्टर 2 ईयर्स बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बाकी अगर आप वेब सर्विंग करते हो, अगर आप क्रोम यूज़ करते हो, और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना चाहते हो, छोटी मोटी मूवीज़ को देखना चाहते हो, तो इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। इस लैपटॉप का परफॉर्मेंस आपको ऑन एवरेज इस प्राइसिंग के अंदर 18K प्राइसिंग के अंदर ठीक ठाक मिलेगा। इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करना, गेमिंग तो कतई मत करना। एनीवे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बैटरी लाइफ, तो लगभग 2 साल के बाद मुझे जो बैटरी लाइफ मिलती है बहुत ही बेकार है, सिर्फ 2 आवर्स की बैटरी बैकअप मुझे मिलती है, और बहुत ही डिसेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बेकार बैटरी बैकअप है दोस्तों। लगभग 2 ईयर के बाद ओनली 2 आवर की बैटरी बैकअप मिलती है, जो कि बेकार है। मैं नॉर्मली दोस्तों चार्जिंग में बैठा कर AC के साथ ही यहाँ पर लैपटॉप को यूज़ करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी की, तो अगर आपके पास 18K या 20K बजट है, तो मैं आपको कहूँगा आप HP के लैपटॉप है, 256 GB का SSD के साथ आता है, उसको ट्राई करके देख सकते हो। उसके अंदर आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर SSD यूज़ किया गया है। इसके अंदर SSD नहीं है, इसलिए परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, बट
ये जो लैपटॉप है दोस्तों, एक एंटी लेवल लैपटॉप की सबसे अच्छा है। आप अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। पर ए लैपटॉप यूज़ करो और एचपी का लैपटॉप यूज़ करो, पर मैं रिकमेंड करता हूँ नंबर वन में एचपी, उसके बाद एसर का ए लैपटॉप। एनीवे छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।